माँ आओ आओ माँ आओ, अपने माँ होने का फर्ज निभाओ। आओ गौरी को उसकी मंजिल तक पहुंचाओ, चाहे जिस रूप में आओ, लेकिन आओ आओ माँ आओ, आओ माँ तुझे आना होगा, चाहे जो हो जाए तुझे आना होगा, चाहे जिस रूप में तुझे आना होगा, आ जा माँ, आ जा, आ जा माँ। कितनी सख्त जान है ना, इतनी ऊपर से नीचे गिरी लेकिन कुछ भी नहीं हो। अरे मर भर जाती, एक दो हड्डियां टूटती, फ्रैक्चर होता तो मजा तो आता मुझे। एक्चुअली पता है क्या, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो नहीं मरी, वरना तेरा ये आशिक है ना कालासुर, इस मरी जान को भी मार देता। इस मरी जान के लिए तो अच्छा ही हुआ ना। चल बहुत हो गया तेरा ये हाइड एंड सीक का बोरिंग गेम। कोई बचाओ, बचाए मुझे, कोई मुझे बचाए। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा गौरी, क्योंकि अब तू चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। तेरे राज को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब तेरा राज मरेगा। खबरदार, खबरदार, तू मेरे राज के बारे में कुछ कहा तो मेरा राज नहीं मर सकता, मैं उसे बचाऊं क्या? तूने अब मेरा दिमाग सटका दिया है। इन्ना अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। भगवान जी, भगवान को बुला रही है, देख तू कहाँ पर है, देख, मैं भी देखूँ तेरी आवाज यहाँ कौन सुनता है। और जोर के चिल्ला, यहाँ ना ही कोई इंसान तेरी आवाज सुनेगा, ना ही तेरा भगवान। चलो मैं राजलक्ष्मी, मैं तुम्हारी नानी हूँ गौरी। गौरी की नानी? गौरी मेरी सगी बहन है ना, अगर मेरी सगी बहन है तो तुम मेरी सगी नानी हुई। गौरी की नानी मेरी नानी है ना, तुम मेरी नानी हो ना। ठीक अभी, पर अब नहीं रही, अब तू भी नहीं रही। गौरी को छोड़ दे, क्यों तड़पा रही है अपने शरीर को, त्याग दे अपना ये शरीर, ताकि तू भी मुक्त हो जाए अपनी इस तकलीफों से। मत दे शैतानों का साथ,
मत छीन अपनी बहन का सुहाग, हट जाओ उसके रास्ते से। आपको कैसे पता? मैं सब सब जानती हूँ बेटा। सब जानती हो तो ये भी जानती होगी ना कि काला सुर ने मुझे जिंदा किया है, और वो भी बहुत सारी शक्तियों के साथ। तू नानी है, पर नानी है या महारानी है, जो भी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुना? और गौरी को इस चक्र के इम्तिहान में मैं सफल नहीं होने दूंगी। इसे मैं जरूर रोकूंगी। तेरी शक्ति से बड़ी वो शक्ति है, वो तुझे रोकेगी। तो ठीक है, अब वो मुझे रोक के दिखाए। अच्छे से घोली है ना? हाँ, दुल्हा दुल्हन को लगे तो ठीक से दिखनी चाहिए, है ना जीती? करुणा गौरी के पीछे उसके कमरे में गई थी, तब से गायब है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें पता है कहाँ है वो? मेरी नजरें भी उसी को ढूंढ रही है। अदिति, आज तेरी हल्दी है, कल शादी। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? अरे लड्डू नहीं, मलाई की जैसी चमकेगी हमारी अदिति। राज बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। नहीं अंकल, मेरी बहन का इतना बड़ा दिन है, हल्दी आज इसकी, भाई का होना तो बनता है ना। आगे आराम ही आराम करना है तुझे। सुन, अभी अजय को हल्दी लगने वाली है, तूने वो पवित्र हल्दी बदली कि नहीं? फिकर ना कालासुर, मैंने अपना काम कर दिया है, अजय का राज नहीं खुलेगा। ये हल्दी तो कड़क है, इसमें पानी डालना पड़ेगा। चाची, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ ले आओ बेटा।